हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आज आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर की लेटेस्ट अपडेट, जो कि सहारनपुर इंटर ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जा रहा है उसकी अपडेट है। दोस्तों, यमुनानगर अम्बाला हाईवे पर, जो कि दोस्तों पीछे तो यमुनानगर अम्बाला के लिए चला जाता है, और यहाँ पर देखो ये किसकी टोल प्लाजा की ये बिल्डिंग बन चुकी है। दोस्तों, यहाँ पर ट्रम्पेट इंटरचेंज के लिए इस पर क्या टोल प्लाजा बनाया जा रहा है दोस्तों, मेरे लेफ्ट साइड में। और अगर हम सीधे सीधे जाते हैं तो रुड़की हरिद्वार और देहरादून के लिए ये हाईवे चला जाएगा दोस्तों, उसी पर ही है। करीबन यहाँ से 10 किलोमीटर दूर दोस्तों क्या सहारनपुर सिटी आ जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए ऐसे ही अपडेट केपी संत के चैनल पर। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन है उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर, केपी संत लाता रहता, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। तो देख सकते हो दोनों साइड के पिलर बिल्कुल पियर कैप के साथ में कम्प्लीट हो चुके हैं। इस पर अब गाटर लॉन्चिंग की जा रही है दोस्तों। गाटर लॉन्चिंग कर देने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क कर दिया जाएगा, और आगे आप लोगों को मिट्टी का अर्थ वर्क होता हुआ देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। साइडों से आरी पैनल को भी लगाया जा रहा है, तो अभी यहां पर काम है काफ़ी, और आप लोगों को यहां के अपडेट अब देखने के लिए मिलते रहेंगे इंटरचेंज के दोस्तों। और देवबंद और ननौदा के लिए जा रहा उसका भी इंटरचेंज आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग देखते रहो ऐसे ही वीडियोज़ केपी संत के चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दूँ कि यमुनानगर अम्बाला हाईवे जो बनाया जा रहा है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, क्योंकि कहीं कहीं के पे ये बन के कम्प्लीट हो गया तो आम जनता के लिए खोल दिया जा चुका है दोस्तों। 4 लेन का ये हाईवे है, और ये दोस्तों रिजिट पेमेंट मतलब 25-26 में ये सारे एक्सप्रेस वे बन के कम्प्लीट हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा काबिल होंगे। वो ज़रूरी थोड़ी है कि सरकारी नौकरी ही पाएंगे, प्राइवेट भी, भाई प्राइवेट में भी बहुत कम आज के डेट में। जापान आगे क्यों है कि टेक्नोलॉजी है, पढ़ाई है, अगर टेक्नोलॉजी आई है तो आई तो पढ़ाई की वजह से ही है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है। मतलब कि कौन सा है ये सहारनपुर वाला है, वहीं से कट के गणेशपुर से ही वो निकलता है। ये दोस्तों लाइन जा रही है रुड़की देव, 28 किलोमीटर का ये रेलवे लाइन का ट्रैक बनाया जा रहा है दोस्तों। अभी काम चल रहा है जोरों शोरों से,
देख सकते हो आप लोग। और ये है दोस्तों, तो दोस्तों आप सभी बताना कि आप सभी का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सबको ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। ऊपर बनाई आप लोग बताना कि आपको यमुनानगर अम्बाला हाईवे कैसा लगा। दोस्तों देख सकते हो आप लोग, ये सीधा रुड़की के लिए चला जाता है, लेफ्ट में देहरादून के लिए चला जाता है और हरिद्वार के लिए। तो काफ़ी अच्छा हाईवे बनाया गया है दोस्तों, रिजेक्ट पेमेंट से बनाया गया है, देख सकते हो आप लोग। और आप लोगों को बता दूं कि ये आ चुका है दोस्तों NH 334, जो कि यहाँ पर आकर समाप्त हो जाता है। तो आप लोग इंजॉय करो ऐसे ही वीडियोस के पसंद के चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद जय भारत।